नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। अपनी विस्तारवादी नीति पर धीरे धीरे दुनिया में अपनी पैठ बढ़ा रहे चीन ने एक बार फिर ताइवान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। गलत इरादे को पूरा करने की फिराक में लगे चीन ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को शक्ति प्रदर्शित करते हुए ताइवान की ओर 39 लड़ाकू विमान भेजे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र में सुबह और रात में 2 बार में 39 विमानों ने प्रवेश किया। चीन ने इस प्रकार शुक्रवार को भी करीब 38 लड़ाकू विमान ताइवान भेजे थे। आपको बता दें कि बीजिंग लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करता आया है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस उकसावे भरी कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय शांति को खतरा हो गया है। ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि शुक्रवार और शनिवार को लगातार 38 और 39 विमान भेजना सावे भरी कार्रवाई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 20 विमानों ने शनिवार को दिन की उड़ानों में और अन्य 19 ने रात में भाग लिया। इसने उनमें से ज्यादातर पहचान J-17 और SU-30 फाइटर जेट्स के रूप में की है। गौरतलब है कि चीन अपने लड़ाकू विमानों के जरिए ताइवान को डराने का प्रयास करता रहा है। वहीं ताइवान की नजदीकी अमेरिका के साथ है, इसलिए वो उस पर भड़कता रहता है। चीन और ताइवान के भौगोलिक क्षेत्रफल और बीते 75 साल के इतिहास पर नजर डालें तो गृह युद्ध के बाद साल 1949 में हुए विभाजन के बाद कम्युनिस्ट समर्थकों ने चीन पर कब्जा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर उसके प्रतिद्वंदी नेशनलिस्ट समर्थकों के ताइवान में सरकार बनाई गई थी। इसके बाद से ही चीन समय समय पर ताइवान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के दावे और चर्चा करता आया है।